नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कम्युनिकेशन चैनल हैविंग डैश टाइप्स। कम्युनिकेशन चैनल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 3। तीन टाइप के आपके कम्युनिकेशन चैनल होते हैं। एक होता है आपका सिंप्लेक्स, सेकंड होता है हाफ डुप्लेक्स, और थर्ड होता है आपका फुल डुप्लेक्स। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, इन सिंप्लेक्स चैनल फ्लो ऑफ डाटा इज। जो हमारा सिंप्लेक्स चैनल होता है उसमें डाटा किस तरीके से फ्लो करता है? आपके पास चार ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। जो सिंप्लेक्स होता है हमारा, उसमें क्या होता है, आपका डाटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। जैसे कि सिंप्लेक्स की जो आपके एग्जाम्पल है वो है आपकी, जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गया, टीवी ब्रॉडकास्टिंग हो गया, वो आपकी सिंप्लेक्स चैनल के एग्जाम्पल है। तो एक ही डायरेक्शन में इसमें डाटा फ्लो होता है, तो सिंप्लेक्स में क्या होता है, ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व डैश ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन क्या होती है आपकी, जो आपके दो डिवाइसेस होते हैं ना, जैसे आपका एक डिवाइस ये है और ये आपका दूसरा डिवाइस है, इनके बीच में जो आपकी ये ट्रांसमिशन होती है वो किस टाइप की होगी? तो यहाँ पे बात की गई है, मान लो एक आपका कीबोर्ड है और दूसरा आपका सीपीयू है, उसके बीच जो ट्रांसमिशन होती है वो किस टाइप की होती है? ट्रांसमिशन आपकी तीन टाइप की होती है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए तो आपका नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक तो आपका ट्रांसमिशन चैनल है ही नहीं। आपके पास बचते हैं हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सिंप्लेक्स। क्योंकि जो सिंप्लेक्स होता है वो आपका, मैंने बताया था आपको, वन डायरेक्शन में डाटा फ्लो करता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका कीबोर्ड से डाटा फ्लो होगा आपके सीपीयू के लिए, तो एक ही डायरेक्शन में आपका डाटा फ्लो होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सिंप्लेक्स। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है हमारा, इन ट्विस्टेड पेयर वायर्स आर ट्विस्टेड टूगेदर विच आर सराउंडेड बाय अ इंसुलेटिंग मटीरियल एंड एन आउटर लेयर कॉइल। मतलब जो आपके ट्विस्टेड पेयर में एक बाहर वाली जो आपकी लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? ये आपके पास ऑप्शंस है। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, जैकेट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये एक जो केबल है ये एक ट्विस्टेड पेयर केबल है। यहाँ पे ये देखो ट्विस्ट की गई है, यहाँ पे ट्विस्टेड की गई है, यहाँ पे ट्विस्ट की गई है, यहाँ पे ट्विस्ट की गई है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्विस्टेड इन केबल्स में होते हैं, तो इसलिए इसे ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। बट जो एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये आउटर जैकेट, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, आउटर जैकेट कहते हैं इसे, ये जो प्लास्टिक कवर इसके ऊपर लगा हुआ है जो इंसुलेशन का काम करती है, इसे क्या कहते हैं, हम जैकेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स कैन ट्रांसमिट डाटा एट हाई स्पीड्स। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपने उनमें से बताना है कि वो कौन सी केबल है जो कि आपके डाटा को हाई स्पीड में ट्रांसमिट कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल। इन केस अगर आपको एग्जाम पे अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ओएफसी की फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज किया जाता है हमारे डाटा को, अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस में अगर ट्रेवल करवाना है आपने या ट्रांसमिट करवाना है, तो उसके लिए आप ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड्स। आपके पास चार ऑप्शन है और आपको बताना है कि सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट ट्रांसमिशन स्पीड है वो इनमें से कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जीबीपीएस। जीबीपीएस होता है हमारा गीगाबिट्स पर सेकेंड। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका जो केबीपीएस होता है, केबीपीएस हो गया किलोबिट्स पर सेकेंड, एमबीपीएस हो गया मेगाबिट पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एन डैश इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज एंड डाटा। क्या चीज है जो हमारे डाटा और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए यूज किया जाता है? तो आपके ऑप्शन, चार ऑप्शन है आपके पास, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट नेटवर्क दैट हैज प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट वॉज। वो कौन सा नेटवर्क है जिसने इंटरनेट के बीज बोए थे? आपके ये चार ऑप्शंस है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्पनेट। आर्पनेट हमारा सबसे पहला नेटवर्क था जो कि कब लॉन्च हुआ था आपका, 29 अक्टूबर 1969 में, 29 अक्टूबर 1969 में। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क।
इनमें से कौन सी वो आइटम है जो कि हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं यूज की जाती है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, मॉडम। मॉडम का यूज हमारे इंटरनेट के लिए किया जाता है, इसलिए इसका लोकल एरिया नेटवर्क में यूज नहीं किया जाता है। इंटरफेस कार्ड, लैन कार्ड हमारा लोकल एरिया नेटवर्क के लिए बहुत जरूरी है, केबल्स हमारी बहुत जरूरी है, और हमारा कंप्यूटर तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, अगर आपके कोई नेटवर्क, कोई डिवाइसेज आपके किसी सेंटर हब से कनेक्टेड है, तो आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क बनता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे हब की जरूरत भी पड़ेगी और आपके डिवाइस की जरूरत भी पड़ेगी, और जिससे वो कनेक्टेड है वो आपको केबल की जरूरत भी यहाँ पे पड़ेगी और सिस्टम की जरूरत भी आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10th है, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिज इन नेटवर्क, कि जो हमारा नेटवर्क डिवाइस ब्रिज होता है उसका यूज हम कैसे करते हैं नेटवर्क्स में। चार आपके पास इसके ऑप्शंस है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, टू कनेक्ट लैंस। तो ब्रिज का यूज किया जाता है हमारे, अगर आपकी डिफरेंट लैंस को कनेक्ट करना हो उसके लिए ब्रिज यूज किया जाता है। ब्रिज आपका एक नेटवर्क डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 11th है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क वुड यूज फोन लाइंस, जो आपकी टेलीफोन लाइंस होती है उसमें कौन सा नेटवर्क आपका यूज किया जाता है। आपके चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, वैन। वैन की जो फुल फॉर्म होती है आपकी, वो होती है आपकी वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए आपके, लैन की होती है आपकी लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की होती है आपकी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन की होती है वाइड एरिया नेटवर्क, और पैन होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो वैन यूज किया जाता है आपका फोन लाइंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। आपके पास चार ऑप्शंस है कि कौन सा वो नेटवर्क है जो सिंगल साइट नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, ए है आपका पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, इथरनेट, टोकन रिंग एंड टोकन बस आर टाइप्स ऑफ, इथरनेट हो गया, टोकन रिंग हो गया, टोकन बस किसके टाइप्स है। आपके चार ऑप्शंस है, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, लैन। ये लैन के आपके सारे के सारे टाइप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ डिवाइस ऑपरेटिंग एट द फिजिकल लेयर इज कॉल्ड अ, फिजिकल लेयर पे यूज किया जाने वाला डिवाइस कौन सा है। आपका जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी, रिपीटर। रिपीटर का आपका फिजिकल लेयर पे यूज किया जाता है, ये आपका एक OSI मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पे ये लेयर फिजिकल लेयर है, यहाँ पे आपका रिपीटर का यूज किया जाता है। रिपीटर किस लिए यूज किया जाता है, आपका सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, हब इज एसोसिएटेड विद डैश नेटवर्क, हब इनमें से किस नेटवर्क के साथ एसोसिएट करता है। आपका जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टार नेटवर्क। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक स्टार नेटवर्क है, स्टार टोपोलॉजी जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ पे देख पा रहे हो सेंट्रल डिवाइस कौन सा यूज किया जा रहा है, हब, और इसके साथ आपके सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, जैसे कि ये कंप्यूटर है, ये साथ के साथ आपके क्या है, आपके कंप्यूटर है, तो ये आपके हब के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो हब है एज ए सेंट्रल डिवाइसेस यूज किया जाता है, और ये आपका दिख ही रहा होगा आपको एक स्टार फॉर्म कर रहा है, तो ये स्टार नेटवर्क में हब यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन, लैन की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ, ब्लूटूथ इनमें से किसका एग्जांपल है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे हम क्या कहते हैं और पैन भी कहते हैं। पैन आपका, पैन के अंदर आता है आपका ब्लूटूथ। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज Not a network device, इनमें से कौन सा एक network device नहीं है। तो इसका सही आंसर है option C, bus। Bus एक network device नहीं है, बाकी router भी आपका network device है, switch भी आपका network device है, और bridge भी आपका एक network device है। Network devices पे मैं एक separate से video बनाऊंगा, और हर एक network devices को मैं उसमें properly explain करूंगा। क्वेश्चन नंबर 19, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड, नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टोपोलॉजी। टोटल हमारे पास 5 टोपोलॉजी होती है, बस, रिंग, स्टार, मैश और हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 20, नेटवर्क कॉम्पोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द डैश टोपोलॉजी, वो कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसमें कि सारे के सारे आपके कंपोनेंट्स को एक सिंगल केबल से कनेक्ट किया जाता है।
तो ये चार आपके पास ऑप्शंस है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है आपका, इस टाइप से आपकी टोपोलॉजी होती है और सारे के सारे डिवाइसेस आपके किससे कनेक्ट होते हैं, आपके एक सिंगल केबल से, जिसे हम क्या कहते हैं, बैकबोन केबल भी कहते हैं। तो ये एक सिंगल केबल है और ये आपके डिवाइसेस है, जैसे दो तीन, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम है जो एक सिंगल केबल से कनेक्टेड है। तो इस टाइप की टोपोलॉजी को कहते हैं बस टोपोलॉजी। टोपोलॉजी पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आज हमने एक नए तरीके से एक्सप्लेन करके आपको एमसीक्यू समझाया है। अगर आप इस तरीके से ही एमसीक्यूज की वीडियोस चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।